हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बाजू चढ़ाने का तरीका। वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी बाजू किस हाथ की होती है, यानी ये कैसे पहचानेंगे हम। तो आप इसे ध्यान से देखिए। अब देखिए, यहाँ पर ना ये कमीजी मैंने कहीं ना कहीं आपको सिखाई होगी, क्योंकि मैंने इसे अभी खोल लिया है। सिर्फ आपको बाजू का मेथड बताऊँगा, नीचे वाले हिस्से को आप छोड़ देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एफ। फ्रंट वाला हिस्से में हमारा ये नेक बना हुआ है, बैक साइड में छोटा गला है, तो मैं एफ़ बना लेता हूँ। और जो हमारी साइड की सिलाई लगी, देखिए मैंने अलग से धागा लिया जिससे कि आप क्लियर देख पाएँ, ये दोनों साइड में सिलाई लगी है। जब हम उल्टी तरफ से फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं, तो जो हमारा ऐसे बिछा होता है कपड़ा और हमारा फ्रंट नेक ऊपर होता है, तो ये जो साइड होती है दोस्तों, ये हमारी आती है राइट हैंड की, ठीक है। और ये जो साइड होती है दोस्तों, ये होती है लेफ्ट हैंड की, ठीक है। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड की बाजू चढ़ाएंगे। तो ये तो आप समझ गए कि कौन सी राइट है कौन सी लेफ्ट है। अब हम बताएंगे आपको कि बाजू में राइट और लेफ्ट कौन सा होगा। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब ये हमारी बाजू है। अब जैसे मान लीजिए हमारी बाजू है, हम कटिंग करते हैं बाजू को अच्छी तरीके से निशान लगा के पूरा। ये देखिए तुरपाई का फोल्ड है, और फोल्ड करने के बाद ये बाजू कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर फ्रंट कटिंग करते हैं। ये हम जो कटिंग करते हैं, ये वाला हिस्सा जो गड्ढा कटिंग करते हैं, इसे हम फ्रंट कहते हैं। तो हम इसे ऐसे लेंगे, एक ये उल्टी साइड हो गई, एक साइड ये हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख लो F, यानी कि ये हो गया फ्रंट। यहाँ भी लिख लो आप F, ये आपको याद रहेगा कि ये फ्रंट वाला हिस्सा है। मतलब इस तरीके से आपको ये बना लेना है, याद रखने के लिए कि ये वाला हिस्सा भी आपका फ्रंट वाला है और ये वाला हिस्सा भी फ्रंट वाला है। या आप इसको पहचान के लिए एक नॉर्मल सा छोटा सा कट भी लगा सकते हो। ये तो आपको पता चल गया कि हम फ्रंट में गड्ढा कटिंग करते हैं, तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। लेकिन कौन सी हाथ की बाजू है ये कैसे पता लगाएंगे? तो उल्टी साइड से एक बाजू को ले लेना है, दूसरी बाजू को आप छोड़ दें, ठीक है। और एक चीज़ और, कभी भी बड़ी बाजू आप बनाएंगे तो ये भी आप इसमें देख लें कि जब हम यहाँ पे सेफ का निशान देते हैं, ये आप निशान देखते होंगे, हम बाजू की सिलाई लगाते हैं यहाँ पर, तो गरारी ना हो आपके पास, गरारी हम इसको कहते हैं, इसे हम ऐसे निशान लगा लेंगे, दूसरी तरफ निशान हमारे उठ जाते हैं। अगर ये ना हो तो आप एक काउंटर पर जाएँ आराम से, और इसको इस तरीके से उंगली रख के इस तरीके से दोस्तों थोड़ी थोड़ी दूर पे निशान लगा लें। इससे क्या होगा, फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त आपको ये निशान से मदद मिलेगी, और आप इक्वल सिलाई दोनों बाजू में लगा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से हमारे दोस्तों निशान लग जाते हैं। इससे एक आइडिया मिल जाता है कि हम आराम से जो है अच्छी तरीके से बाजू चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक बाजू लेंगे, वो ये वाली बाजू होगी। अब इस बाजू को जब हम उल्टी साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, यानी बनाने के बाद हम, आपको पता है बाजू कैसे बनती है, डायरेक्ट दोस्तों या तुरपाई का फोल्ड करना है या पाइपिंग पट्टी जो भी लगानी है, उससे बाजू को हम सिल लेंगे। सिलने के बाद बाजू चढ़ाने का तरीका आपको बताऊंगा। तो ये आप सिल लेंगे जब इसको, तो सिलने के बाद जो हमारा एफ लिखा यानी फ्रंट कटा हुआ हिस्सा ऊपर आएगा, ठीक है, ये हमारा इसमें चढ़ेगा, यानी कि राइट हैंड वाली बाजू पर। ध्यान से देखें, राइट हैंड वाली बाजू पे ये वाला हिस्सा चढ़ेगा। इससे आपको पता लग जाएगा जो हिस्सा कट ऊपर है, या हाथ का तो मैंने आपको बता दिया, कमीज का मेथड बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन बाजू में आपको समझना ये है, उल्टी साइड से जब सिलाई लग जाएगी तो आपका ये राइट हैंड पे चढ़ेगी बाजू। अब मैं पहले इस पर सिलाई लगा के ले आता हूँ, फिर मैं आपको दूसरी चीज़ भी समझा दूंगा जिससे आप कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं देखिए, यहाँ पर मैं सिलाई लगा के ले आया हूँ तुरपाई का फोल्ड करने के बाद, और अलग धागा ही रखा है जिससे कि आप ईजी देख पाएँ। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि ये जो बाजू है, इसमें जो ऊपर का गड्ढा कटा होगा फ्रंट वाला, ठीक है, जब आप इसे जोड़ेंगे सिलाई को, सिलाई जोड़ने का जो ऊपर का हिस्सा आपको कटा हुआ दिखेगा, वो आपके राइट हैंड की बाजू का है। लेकिन हम इसे बाजू को चढ़ाते वक्त इसको ऐसे हाथ डाल के इसे उल्टा कर लेते हैं, यानी सीधा कर लेते हैं, सॉरी। तो सीधा करने के बाद जब हम इसे ऐसे रखते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, जब सीधी करने के बाद बाजू कभी आप भूल जाओ और आप इस तरीके से रखो, तो ये देखना जो कटा हुआ हिस्सा था वो नीचे की तरफ चला गया, यानी कि अब जो ऊपर का हिस्सा आपका आएगा बंद वाला, ये भी आपकी राइट हैंड बाजू का ही है। एक ये भी तरीका है पहचानने का, या तो आप उस पर लिख लें। ये तो आपको मैंने बता दिया कि कौन सी हाथ की कौन सी बाजू होती है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी तरफ वाला आप लेफ्ट हैंड पर बाजू चढ़ा सकते हैं। अब जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये है बाजू चढ़ाने का तरीका, यानी कि बाजू चढ़ाने में बिल्कुल ही परेशानी नहीं आएगी ये तरीका देखने के बाद। तो सबसे पहले देखिए, हमने जोड़ लिया है, आपको इस तरीके से ऐसे पकड़ना है, और फ्रंट में हमारा एक गड्ढा कटा होता है ये वाला, ठीक है, हमारी बाजू जो चढ़ती है ये गड्ढा हमारा कटा होता है। तो हम इसको इस तरीके से पकड़ते हुए लेके आएंगे, तो हमेशा फ्रंट में कुछ ना कुछ, चाहे एक पैर या आधा इंच का, पौना इंच का, इस तरीके से फर्क होता है। और यहाँ पे हम दोस्तों कट लगा लेते हैं। ये देखिए हमने कट लगा लिया है, और मैं सीधी तरफ में ही निशान लगा लेता हूँ कट पे।
जिससे कि आप इजी देख पाएँ। अब इस कट को हम ऐसे पकड़ेंगे और अपना बाजू का मुड्ढा नापेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम बाजू का मुड्ढा बिल्कुल हमारा इक्वल है। याद रखें, कभी भी कमीज़ का मुड्ढा छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, कभी भी ये बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसे खूब खींचता हूँ तो ये देखिए बड़ा हो गया, डेढ़ करीब 1 इंच, ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से होगा तो आपकी कमीज़ की कटिंग गड़बड़ है। हमेशा कमीज़ का मुड्ढा थोड़ा छोटा होगा तो हम इजी चढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि परफेक्ट तरीके से एक ही बार में बाजू को कैसे चढ़ा सकते हैं। इसके लिए मशीन पर चलते हैं और आपको बताता हूँ, एक ही बार में आप ये सीख जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बाजू चढ़ाने से पहले हमेशा बाजू को सीधा कर लेते हैं हम, और कमीज़ को हमेशा उल्टी साइड रखते हैं। उल्टी साइड से ये हिस्सा ऐसे लोगे आप तो ये आपकी इस जगह पे बाजू चढ़ेगी। तो यहाँ से आपको सिर्फ अंगूठे और उंगली की मदद से इस कट को ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे जो गैपिंग होती है गले के बीच में से ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, ये सीधी साइड है। अब सीधी साइड से अपने बाजू जो जोड़ते हैं हिस्सा, हम ये वाला हिस्सा यहाँ पर हम जोड़ते देख सकते हैं आप, इस सिलाई को अपने कट पर रखेंगे जो हमने कट मारा था, और इसको ऐसे पलटेंगे तो ये सीधे से सीधा मिल जाएगा। मिलने के बाद ये दो मार्जिन होते हैं, ये साइड का ये बाजू का, हम इसको ऐसे लेके अब दोस्तों सिलाई लगाएंगे हल्की सी, बस इतनी सिलाई लगा के इसको ऐसे घुमा लेंगे। और अब ये जो कपड़ा होता है ये हमेशा बैक साइड में जाता है, यानी कि इसको ऐसे रख के ना आराम से मिला के इसे बैक साइड में ऐसे फोल्ड कर दो, क्योंकि अगर हम पूरा जोड़ देंगे तो झोल पड़ेगी, खिंचाव आएगा। इसे हम इस तरीके से मोड़ते हैं और थोड़ी सिलाई लगाते हैं। इतनी सिलाई लगाओगे उसके बाद दोस्तों, चाहे आपकी बाजू, कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है कि आप सब कुछ कटिंग सही करते हो लेकिन यहाँ पे आड़ेपन की वजह से ना कमीज़ का आर्मोल हमेशा बढ़ जाता है, तो ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। इससे कभी भी कोई भी आपका हल्का हिस्सा बड़ा भी होगा ना तो भी आप इजी बाजू चढ़ा सकते हैं। तो हल्की सिलाई लगानी, पूरी नहीं लाएंगे आप। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मेरा भी जो कट है थोड़ा आधा इंच बढ़ के जा रहा है। ये देखिए, ये हमारा कट से आधा इंच बढ़ के जा रहा है, लेकिन कैसे एडजस्ट करेंगे इसे, क्योंकि इसमें दोस्तों थोड़ा बहुत फलक रहा है, ये हिस्सा इस वजह से बढ़ रहा है। अब हम इसे जो है बाजू के जो कमीज़ का कंधा है, ठीक है, सेंटर बाजू के सेंटर से मिलाएंगे ऐसे, और इसे मिला के बराबर से ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ लिया हमने, अब पकड़ने के बाद ना ये हिस्सा तो आपका सेट हो गया, इतना इतने हिस्से को आप छोड़ दो। अब इस हिस्से को ऐसे पकड़ो और देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा हिस्सा बैठ चुका। ठीक है, अगर हम इसे खींचेंगे तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन आप इसे आराम से पकड़ेंगे तो ये आराम से हमारा बैठ गया। अब इसे एक बराबर कपड़े को सेट करना है, और आपको अलग कलर के धागे से सिलाई लगा के दिखा रहा हूँ जिससे कि आप क्लियर देख पाए। और अब हम सिलाई लगाएंगे, और ये जो मैं सिलाई लगा रहा हूँ दोस्तों, मेरी कटिंग में इतनी ही सिलाई से आप बाजू जोड़ा करें वरना आपकी अल्टरेशन आ जाएगी। फिर थोड़ी सिलाई लगाने का देखिए, कट आपका कंधे से बिल्कुल मिल के आ रहा है। अब यहाँ पर हम दोबारा सिलाई लगाएंगे, और जैसे ही हम पहुँचेंगे सेंटर में तो ये हमेशा कंधी होती है ना, अगर आप इसे बिल्कुल खड़ा जोड़ देंगे तो यहाँ पर खिंचाव आएगा, तो इस कंधी को भी हम हल्का सा ऐसे मोड़ देते हैं। ये मोड़ने से कंधी में खिंचाव नहीं आता, और आप सिलाई लगा लें। थोड़ी सिलाई लग गई, अब इसको ऐसे घुमाएं और हल्की सी सिलाई नीचे लेके आएंगे। कभी कभी इस जगह पर दोस्तों कपड़ा जो है इस तरीके से लाएंगे तो झोल पड़ेगा, तो आप इसे हल्का सा इतना भी कर सकते हैं, बाजू बाद में कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सिलाई लगाएं, थोड़ी सिलाई लगाने के बाद आप इसको ऐसे लेंगे और जो जहाँ से स्टार्ट करी थी बाजू वहाँ से आप इसे ऐसे कपड़े को पकड़ेंगे और ऐसे आराम से पकड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए, पकड़ने के बाद इसको ऐसे सेट करें, ये बैठ गया आपका हिस्सा। अब इसे भी एक बराबर मिला के सिलाई लगाएं, ये हमने यहाँ सिलाई लगा दी। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे दोस्तों फिर पकड़ के फिर सिलाई लगाएंगे, फिर इसको ऐसे लेके जाएं। अब ये हमने बैक साइड में फोल्ड कराया है, तो बाजू का जो ये हिस्सा है इसे भी हम बैक साइड में फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से बिछा के हम सिलाई लगाएंगे। और इसको एक सिलाई लगा दी मैंने, मैं सिर्फ एक ही दिखाऊंगा आपको। आप दूसरी सिलाई जो चलाएंगे तो इसके अंदर जो भी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी होगी इसको कवर करना है आपको, और फिर इसको यहाँ पर लाके एंड में उतार देंगे। और उतारने के बाद दोस्तों धागा कटिंग कर लेंगे और अपने टीच बटन को भी लगा लेंगे, और जो फालतू का ये कपड़ा हल्का सा निकला है ना, ये दोस्तों निकल जाता है मेरी कटिंग में। आप इसे ऐसे कटिंग कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से सेट करना है। यहाँ पर हम धागे को कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये देखिए, आपको ऐसे पकड़ना है कंधी से जो बाजू का जो जोड़ है इसको ऐसे पकड़ना है, और ऐसे जायज़ा लेना है अपनी बाजू का कि फिनिशिंग से चढ़ी है या झोल तो नहीं है। तो देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन फिनिशिंग से हमारे यहाँ बाजू चढ़ गई। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन सी हाथ की बाजू होती है, किस हाथ में आपको चढ़ानी है, एक तो आपको ये बताया, और बाजू चढ़ाने का बहुत ही सरल तरीका आपको बताया। तो दोस्तों आपको ये तरीका पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की छोटी छोटी टिप्स आपके लिए लेके आने के लिए, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।